नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ आपको स्वस्थ बनाने के विषय में। दांतों में कीड़ा निकालने का अचूक और घरेलू नुस्खा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दांतों के विषय में आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है दांतों में कीड़ा निकालने का नुस्खा, जो कि एक अचूक और घरेलू नुस्खा है और 100% कारगर नुस्खा है दांतों में कैविटी होना, जिसको हम साधारण भाषा में दांतों में कीड़ा लग जाना बोलते हैं। दोस्तों, दांतों में जैसे कीड़ा लग जाता है तो या तो उन दांतों को दोबारा भरवाओ, परंतु कई बार दांतों में कीड़ा लग जाने की वजह से दांत इतने खराब हो जाते हैं कि वो न तो भरवाने के लायक रहते हैं और न वो मुँह में रहने के लायक होते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आपको लगे कि हमारा दांत खराब होने जा रहा है, तो समय से पहले आप अगर इस वीडियो में बताए गए नुस्खों को अगर आप अपना लेंगे तो आपके दांत बच सकते हैं और आप एक स्वस्थ मुँह और आप एक स्वस्थ दांतों वाले व्यक्ति हो सकते हैं। सबसे पहले आप जान लें कि दांतों में कैविटी लगने का कारण क्या है। चीनी से बने पदार्थ, ज़्यादातर क्या होता है कि हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं वो चीनी से बने हुए निर्मित पदार्थ अगर हम खा लेते हैं तो चीनी के चिपचिपे पदार्थ दांतों के चिपक जाते हैं और वो अधिक समय तक चिपके रहते हैं और जिनके कारण हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर इस प्रकार की समस्या बच्चों में अक्सर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बचपन में अक्सर बच्चों के माँ बाप उनको टॉफ़ी, चॉकलेट ऐसी बहुत सी मीठी चीज़ें खिला देते हैं जिनके कारण उनके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि जो लोग कैविटी से बचना चाहते हैं तो वो लोग सबसे पहले तो टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह ये जो ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं इनको खाना बंद कर दें। और दूसरा, जो लोग गुटखा, सुपारी ये खाते हैं तो उसे भी खाना आप बंद कर दीजिए, ताकि वो अपने दांतों को बचा सकें। हमारे दांतों की संरचना में विटामिन, मिनरल ए और डी और कैल्शियम की अहम भूमिका होती है, इसलिए इनको बचाने के लिए इनकी पूर्ति आवश्यक है। तो भोजन में आप ऐसी चीज़ें जरूर शामिल करें जिनमें आपको ये चीज़ें उपलब्ध हो सकें। दूसरा, दांतों को नायलॉन के ब्रश और टूथपेस्ट से घिसना बंद कर दीजिए। आप इसकी जगह मंजन का इस्तेमाल करें। मंजन को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप मंजन को उंगली की सहायता से अपने मसूड़ों और दांतों पर अच्छी तरह से लगाएं। मंजन को अपने दांतों पर कुछ देर के लिए लगाकर रखें और फिर आपके मुँह से गंदा पानी अपने आप निकलने लगेगा और फिर 10 मिनट के बाद आप अपने दांतों की धुलाई कर लीजिए। कैविटी के दांतों के लिए घर पर बनाएं आप एक खास मंजन। दोस्तों, बबूल की लकड़ी का कोयला 20 ग्राम कूट कर और उसे कपड़े से महीन छान कर रख लो और 10 ग्राम फिटकरी को आप तवे पर सेक लीजिए और दोनों को मिला लीजिए। ये बिल्कुल चूर्ण के जैसा बन जाएगा और इनके साथ आपको 20 ग्राम हल्दी भी इसके साथ मिलानी है। तो आपका यह मंजन तैयार हो गया है और आप सुबह जब मंजन करते हैं तो इस मंजन को आप 2 बूंद लौंग के तेल के साथ आप अपने दांतों पर लगाइए तो ये मंजन बहुत ही कारगर है और आपको आपके दांतों के हमेशा सुरक्षा रखेगा। आपके दांतों में भविष्य में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। ये बहुत ही अचूक और असरकारक मंजन है। आपको बबूल की लकड़ी का कोयला लेना है, उसको महीन कपड़े से पीस कर छान लेना है और उसके बाद उसके अंदर आपको फिटकरी, जिसको आप तवे पे सेक के उसका महीन पाउडर बना के उसके अंदर मिलाएं और 20 ग्राम हल्दी मिलाएं और इन तीनों को मिलाने के बाद जो मंजन बनेगा उस मंजन को आप 2 बूंद लौंग के तेल के साथ मिलाकर अपने दांतों पर नित्य लगाएं और कम से कम 10 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद आपके दांतों से निकलने वाला गंदा खून निकल जाएगा और आपके दांत स्वस्थ होते रहेंगे और आपके दांतों में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। और इसके साथ ही सुबह और शाम 10 ग्राम नारियल का तेल लेकर अपने मुँह में भरें और 10 मिनट तक उसको मुँह में घुमाते रहें। मेरे कहने का मतलब है कि आप कुल्ले करते रहें और 10 मिनट के बाद आप इसे थूक दीजिए। इसी प्रकार आपको रात को सोते समय भी यही प्रयोग करें। इस विधि को गंडूस क्रम भी कहते हैं। इस विधि से दांतों की नव संरचना शुरू होती है।
आजकल हमें जो भोजन उपलब्ध होता है उसमें अत्यधिक केमिकल्स का छिड़काव होता है। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए भोजन बनाने से पहले उस चीज़ को रात्रि को भिगोया जा सकता है और सुबह उसको अच्छी तरह से धोकर साफ करके और फिर हमें खाने के लिए बनाना चाहिए। और जैसे ही हम उस वस्तु को भिगोते हैं, जो खाद्य सामग्री होती है हम उसको भिगोते हैं, तो उसमें एक चम्मच सिरका डालकर आप भिगो के रखते हैं। और जब सुबह हमें इसे बनाने के लिए काम में लेना होता है तो काम में लेने से पहले आप उसको अच्छी तरह से धो लें ताकि उस पर चिपके केमिकल्स अच्छी तरह से धुल जाएं, साफ हो जाएं, और वो केमिकल्स जिनके द्वारा हमारे दांतों को नुकसान होता है उस नुकसान से हम बच सकें। मिनरल और अन्य ज़रूरी पोषक तत्वों के लिए आप वेट ग्रास चूसिए, जिसकी हमने अभी वीडियो बनाई है। दोस्तों, अगर किसी को स्टोन की समस्या नहीं हो तो वो इस जूस में गेहूं के दाने के बराबर जो पान में लगाकर हम चूना खाते हैं वो चूना आप मिलाकर प्रयोग कीजिए। इससे हमें दांतों में जो कैल्शियम की कमी है उसकी पूर्ति होगी और दांतों को नया बनाने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने दांतों की सुरक्षा कर सकते हैं और भविष्य में फिर आपको आपके दांतों में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।